थाने में इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी है और इतना वैल्यूएबल है कि देखें तो थाने जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है ना, मुंबई के बाद मुंबई से लग के थाने सिटी और मीरा रोड सिटी, ये दो डेवलपमेंट इतने जोरदार चल रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टर पिछले 10-15 सालों से इन्वेस्टमेंट किया है, सारों का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होके बढ़ा है। दोस्तों मैंने देखा है कि थाने में जो लोग आज से 20 साल पहले या मीरा रोड में लोग 20 साल पहले 2 लाख 3 लाख 4 लाख में प्रॉपर्टी खरीदे थे, आज के रेट में वो प्रॉपर्टी की करीबन 10 से 15 गुना बढ़ चुका है। उसका भाव देखें तो 50 लाख 60 लाख हो चुका है। ऐसे ही आपके पैसे आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूं मैं। नाम है दोस्ती ग्रेटर थाने। आप देख रहे हैं सारे जगह पे इसका ब्रांडिंग चल रहा है। अभी अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है तो लॉन्चिंग जो प्राइस है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। इसका प्राइस की अट्रैक्टिव की बात करूं, प्राइसिंग में बात करूंगा बाद में, बट पहले कुछ बातें बता दूं। ये बन रहा है कापुरवाड़ी सर्कल है, वहां से आप जब भिवंडी के रोड पे जाते हैं तो वहां पे उसी रोड पे बन रहा है और करीबन 125 एकड़ में बन रहा है, 30-30 माले का, कई टावर वहां पे दोस्ती लेके आए हैं। और वैसे तो आप जानते हैं दोस्ती अपने आप में काफी बड़ा ब्रांड है, उनके लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे उन्होंने बना चुके हैं, कई जगह पे बना के हैंडओवर कर चुके हैं और कई जगह पे काम इनका जोर शोर में चालू है, तो ब्रांड है तो उनमें कुछ सोचना नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्ती ग्रेटर थाने का फ्लैट कैसा है, प्राइसिंग क्या है, वो सब। पच्चीस एकर्स की सुपर टाउनशिप जहां सबको मिलेगी एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल, यानी लाइफ होगी नंबर वन। दोस्ती वन मुंबई, हर मुंबई कर की नंबर वन चॉइस। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20-30% 20-30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीजों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर यानी सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। आइए देखते हैं ये दोस्ती ग्रेटर थाने का सबसे बड़ा जो 1 BHK है वो मैं दिखा रहा हूं। इस तरफ आपको मिल जा रहा है डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, टीवी यूनिट, प्लस इस तरफ में जाता है आपको बालकनी और विंडो के साइड से एक बार पूरा देख लें आप। और पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। अब आइए किचन देखते हैं। यहाँ पे किचन इन्होंने पूरा एल टाइप में बनाया है, आप चाहें तो इसको सी टाइप में बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल रखा है, बट इधर भी आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिलहाल तो एल टाइप में प्लेटफॉर्म इनफ है। यहाँ पे आपको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन मिलता है, इधर आपको गैस प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है। अभी हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है और इस तरफ इसका वॉशरूम है और इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल और वार्डरोब उस तरफ बनाया हुआ है। कितना ब्यूटीफुल इन्होंने जगह एडजस्ट किया हुआ है 1 BHK में। इस तरफ आपको वार्डरोब मिल जा रहा है। एक बढ़िया कंसेप्ट इन्होंने दिया है, इतने सस्ते में इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा प्रॉपर्टी बहुत रेयर देखने को मिलता है। इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अभी 2 BHK देखते हैं, दोस्ती ग्रेटर थाने जो लॉन्च हो रहा है। इस तरफ आपको मिल रहा है लिविंग एरिया विंडो और एक बार मैं इधर से आपको कवर करके दिखाता हूँ। इस तरफ में आपको डाइनिंग एरिया मिलता है, तो ये इसका दिया हुआ है। अब चलते हैं इसका किचन देखते हैं और इसका बेडरूम देखते हैं। इस तरफ इन्होंने दिया हुआ है किचन। किचन का कंसेप्ट
बहुत खूबसूरत है। इधर उन्होंने फ्रिज दिया हुआ है, यहाँ फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन मिल जाता है आपको, और इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आपको रॉ फ्लैट मिलेगा, इस टाइप का आपको फर्नीचर किया हुआ नहीं मिलेगा। एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। और अब चलते हैं इसका कॉमन वॉशरूम और बेडरूम देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, बेसिन, कमोड और बाथ एरिया ये आपको मिल रहा है। और इसके बाद हम आ गए हैं बेडरूम में। ये इसका कॉमन बेडरूम है, यहाँ पे एक कवर्ड का स्पेस डेडिकेटेड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इधर आपको एक विंडो भी मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा मास्टर बेडरूम, दिखाता हूँ किस साइड है और कैसा है। यहाँ से जब आप हॉल में एंट्री करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको किचन और बेडरूम कॉमन वॉशरूम मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। यहाँ से मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है और मास्टर बेडरूम का ये है वॉशरूम। आप देख लें यहाँ पे विंडो मिल जाता है। इधर आपको 6x6 का बेड डाला हुआ है, इस तरफ आपको वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे ओपन वार्डरोब रखा हुआ है, बट आप इसको ब्यूटीफुली बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये तो बिल्डर ने एक आइडिया दिया है कि क्या टाइप का आपका फ्लैट रहेगा, कितना साइज रहेगा, क्या क्या बनाने के बाद क्या क्या मिलेगा, आप अपने हिसाब से इसको इंटीरियर कर सकते हैं। इस तरफ आपका विंडो मिल जाता है, तो प्रॉपर व्यवस्थित इतना कम प्राइस में आप देखें तो 1 BHK का यहाँ पे जो प्राइस मिल रहा है, ये ज़्यादातर तो यहाँ पे ना बायर यानी यूजर्स कम इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। ये प्राइस अभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन्वेस्टर के लिए खास यहाँ पे है। दोस्तों एक बार बता दूँ, यहाँ पे मैंने खुद प्लान किया है प्रॉपर्टी लेने के लिए, ले रहा हूँ मैं खुद के लिए, तो खुद के लिए ले रहा हूँ तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना मैंने काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद मैं खुद यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, तो वो हिसाब से भी आप संजय रहना हो तो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये। यहाँ तक आपको 2 BHK मिल रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्ती ग्रेटर थाने का जो 125 एकड़ में जो उन्होंने प्लान किया है, वो कुछ बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इनका प्लॉट के बीच में ही बुलेट ट्रेन का प्लानिंग किया हुआ है। ये इसका बुलेट ट्रेन है और बीच में फिर मेट्रो ट्रेन भी, आपको मैं लेके चलता हूँ। इस तरफ अभी जो फेज 2 लॉन्च हुआ है वो सामने जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं आप, मैं दिखाता हूँ आपको इस एंगल से कवर करके। यहाँ से आप जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये इसका फेज 2 है। एग्जैक्ट इसका एलिवेशन कैसा आएगा 30 माले का, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ। इस तरफ इसका ये 30 माले का टावर कैसा आएगा वो आप देख लें। दोस्ती चार्म, दोस्ती ग्रेस, दोस्ती प्राइड, ये सब बीच में एमिनिटीज आने वाला है आपको। नीचे का ग्राउंड लेवल इसका पार्किंग आएगा, यहाँ पे भी ओपन स्पेस है इसका, जहाँ पे MLCP का एरिया है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल फेज 2 का एलिवेशन आएगा। ये क्लब हाउस है फेज 2 का, देख सकते हैं किस टाइप का रहेगा। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, 1,00,000 स्क्वायर फुट का इन्होंने क्लब हाउस बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बैंक्वेट हॉल, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, टर्फ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी जो मैंने दोस्ती ग्रेटर थाने का आपको फ्लैट दिखाया है, एलिवेशन दिखाया, मॉडल दिखाया है, उसका कुछ मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 125 एकड़ का इनका पूरा टाउनशिप डेवलप हो रहा है, जिसमें 30-30 माले का टावर है। कई क्लस्टर में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, कई फेज में डिवाइड किया हुआ है। आज जो बात करेंगे फेज 2 की बात करेंगे, जिसमें 9 टावर है 30-30 माले का, 33 स्टोरीज, 9th टावर है इसमें। आगे और कुछ डिटेल जानते हैं। 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस है दोस्ती रियल्टी का। कुछ मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट बताता हूँ इनका, दोस्ती इडियन, दोस्ती एलाइट, दोस्ती फ्लेमिंगो, दोस्ती ओरो 67 एंड दोस्ती एकर। इस टाइप का इन्होंने कई प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, कोई प्रोजेक्ट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, कई प्रोजेक्ट ये बना के हैंड ओवर कर चुके हैं, पब्लिक उसमें रह रही है। तो नाम का ब्रांड तो इनका अपने आप कुछ बात ही नहीं कहना, कई जगह पे इन्होंने काम किया हुआ है। ये जो 9 टावर है इसमें 3 विंग्स में डिवाइड किया हुआ है, एक का नाम है चार्म, एक का नाम है ग्रेस और एक का नाम है ये प्राइड। इसमें किसी में 4 टावर हैं, किसी में 3 और किसी में 2, तो इस टाइप का 3-3 4-4 टावर का पूरा एक क्लस्टर बनाया हुआ है। और
एक लाख स्क्वायर फुट के आसपास इसका एक क्लब हाउस पूरा एक्सपीरियंस बनाया हुआ है। तो बहुत ही लग्जरियस तरीके से ये बना रहे हैं, मॉडर्न चीज़ों को, मॉडर्न एमिनिटीज को पूरा ध्यान में रख के बना रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स आएं, इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करके कुछ दिनों में लेके जाएं। वैसे भी थाना एरिया इतना डेवलप्ड एरिया है कि यहाँ पे देखें तो 20-25 साल पहले या 10 साल पहले जिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका उनका पैसा कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ना ये अभी लॉन्च हुआ है, ओके। ये इसका बारकोड है, ये बारकोड के थ्रू आप जान सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिटेल आने वाला है। इस बारकोड को आप स्कैन करें। फर्स्ट फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल रहेगा। अगर आप महारेरा के वेबसाइट पे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जानना चाहते हैं जो ये 7.5 एकड़ में 9 टावर बना रहे हैं, इसका महारेरा नंबर है P517000484। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या इसका साइज का अप्रूवल मिला है, कितने फ्लोर के पासिंग का अप्रूवल मिला है, कितना इसका लैंड एरिया है, क्या प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा कुंडली आप वहाँ पे जान सकते हैं। किसी भी डेवलपर को अगर डेवलपमेंट करना है तो रेरा के वेबसाइट पे उसको पूरा इन्फॉर्मेशन अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। व्यू तो यहाँ से कमाल का है, यहाँ से आपको क्रिक व्यू मिल जाता है, फॉरेस्ट व्यू, हिल व्यू मिल जाता है, रिवर व्यू मिल जाता है और फ्रंट साइड में आप देखें थाने के साइड में तो आपको सिटी व्यू भी मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट से बिल्कुल लग के ही है, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट फुल स्विंग में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जब तक डिलीवर होगा तब तक आपको मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट्स हो, सर्विस अकाउंट हो या फिर जॉब बिजनेस अकाउंट हो, मिल जाएगा। सभी बैंकों से ये अप्रूव्ड किया हुआ है। साइजिंग और प्राइजिंग के मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, और कुछ डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे लोकैलिटी, यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं वो बता दूँ। यहाँ पे ज्यादातर हिंदू लोकैलिटी के लोगों को ही दिया हुआ है। यहाँ पे कई जगह पे, 2-3 जगह पे उन्होंने मंदिर का प्रोविजन किया हुआ है। सिद्धि विनायक जो संस्था है वो सिद्धि विनायक का सेम ट्रस्ट का मंदिर भी यहाँ पे आ रहा है। 12 इंटरनेशनल कंपनी से इन्होंने टाइप किया हुआ है स्पोर्ट्स रिलेटेड। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से कंपनी से टाइप किया हुआ है। 12 जो इंटरनेशनल ब्रांड से इन्होंने टाइप किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में एमिनिटीज लाने के लिए, वो हैं गेरी क्रिस्टन क्रिकेट इंडिया, माइकल फेल स्विमिंग, पादुकोण स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, सुरेश वाडकर एजुकेशन, संदीप सोपारकर ब्लोरूम स्टूडियो, दोस्ती फाउंडेशन स्कूल, थाने सिटी फुटबॉल क्लब, योस्का इंडोरेंस स्पोर्ट्स, महेश भूपति टेनिस अकेडमी, अपोलो क्लिनिक, फिलिजियम क्लब, श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर। ये सारे जो 12 इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सबसे टाई अप किया हुआ है, जिनके जिनके यहाँ पे ब्रांचेस इस कॉम्प्लेक्स में ये लेके आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिल्डर ने इन चीज़ों को क्यों इनवाइट किया है अपने प्रोजेक्ट में, ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करें उनका जो प्रॉपर्टी का प्राइस हो मल्टीप्लाई हो हमेशा, साथ ही साथ जो रहना चाहते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी लेके वो वहाँ पे रहें और इन सब चीज़ों को एंजॉय करें ताकि उसका वैल्यू बढ़ता रहे हमेशा। अब आते हैं इसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ पे, क्योंकि आज के डेट में देखें तो अगर एमिनिटीज़ नहीं है तो उस कॉम्प्लेक्स का कोई डिमांड नहीं है। दोस्तों हर कोई चाहता है उनके बच्चे, उनकी फैमिली कुछ ना कुछ एमिनिटीज़ को एंजॉय जरूर करें। तो इसमें बताता हूँ कि एमिनिटीज़ क्या क्या है। स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरिस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, बाइसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, मंदिर, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, JQG, कवाना, स्पाइन सैलून, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्स जो इस बार फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम, फूड, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, प्लंज पूल, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, लैब पूल विद डेक, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वॉश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, स्केटिंग रिंग, रूफटॉप टेरेस, टॉडलर जोन, आप जिस एमिनिटीज का नाम लें सारा एमिनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फुल्ली रिसोर्ट के अंदर जितना एक एमिनिटीज होता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अभी आते हैं इसके प्राइजिंग और साइजिंग पे। इसमें फिलहाल 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 1 BHK का साइज 319, 339 और 385, 319, 339 एंड 385, तीन साइज में इसके 1 BHK दिए हुए हैं। कुछ जो आपने देखा डेक के साथ में है, कुछ विदाउट डेक है, कुछ में थोड़ा किचन को छोटा किया हुआ है, उसमें कस्टमाइज टाइप का किया हुआ है। तो ये तीन साइज में तो इसके 1 BHK है। 1 BHK का प्राइस 36-39 के बीच में है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों यहां का स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है पेमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी जो ये प्राइस रहे ना कि 39.99,
ये नेगोशियबल प्राइस है जो ये लोग ईओआई ले रहे हैं कस्टमर से लॉन्च करने के बाद जो ये करेंगे, तो 39.99 एक नेगोशियबल प्राइस रहेगा जिसमें कि 10% आपको अभी देना है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ चीजों को ये बिल्कुल ध्यान से सुने, इन्वेस्टर्स के लिए और बायर्स के लिए, यूजर्स के लिए भी जो रहने वाले हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके, दोनों के लिए अभी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि ये पेमेंट स्कीम इतना अट्रैक्टिव है आपको क्या फायदा हो सकता है वो समझे। यहाँ पे जो 39.99 यानी कि लगभग 40 लाख रुपए में आपको ये 1 BHK दे रहे हैं, उसका सिर्फ आपको 10% देना है। 10% यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप 40 लाख की प्रॉपर्टी होती है तो 10% 4 लाख रुपए होते हैं। 4 लाख रुपए का जो आपको 10% देना है उसमें आपको प्रॉपर्टी का पैसा प्लस रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, GST सब हो जाता है। इसके बाद कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। इसके बाद बाकी जो 90% आपको पे करने को आएगा सीधा आपको पोजिशन पे आएगा, उसके पहले आपको कुछ भी नहीं देना है। ये इसका इन्वेस्टमेंट का जो ऑफर है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये कमाल का है कि 4 लाख रुपए में आपका 1 BHK लगभग बुक हो जाता है। अभी जब हम लॉन्चिंग पे बैठेंगे तो और भी नेगोशिएट होगा, वो हम बात करेंगे तभी। फिलहाल इन्होंने 39.99 बोला है, वो हम बैठ के बात करेंगे उस टाइम की क्या प्राइस एग्जैक्ट होने वाला है। और फिक्स प्राइस है, यहाँ कोई नेगोशिएबल प्राइस नहीं है। आप अगर डायरेक्ट भी जाएं, किसी ब्रोकर के साथ भी जाएं, कोई फर्क नहीं है, यहाँ प्राइस फिक्स दिया हुआ है। जो भी आएगा सबके लिए सेम प्राइस आने वाला है। अब आते हैं 2 BHK। 2 BHK में दो एरिया है, 452 एंड 552, 452 और 552 दो एरिया है 2 BHK में। इसका मैं प्राइसिंग की बात करूं, 56 to 69.99 यानी कि 56 लाख से लेके 69 लाख, तो इसमें भी सेम स्कीम है, 10% आपको देना है। उस 10% जो अमाउंट फ्लैट के कॉस्ट का है, इसमें आपको 10% फ्लैट का कॉस्ट भी चला गया, प्लस उसी में आपको रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी भी आ गया, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। तो लगभग लगभग 3 से 4 लाख रुपए में 1 BHK का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है, 2 BHK में लगभग 5 से 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। इससे एक समझने वाली बात क्या है, आपको फायदे वाली बात क्या है वो मैं इंटरनल बताता हूं कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो सिर्फ 4 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। जब तक प्रॉपर्टी बन के रेडी होगा तब तक करीबन 25 से 30% भाव उसका बढ़ चुका होगा। आप सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट करके और 100% की एप्रिसिएशन का फायदा ले सकते हैं। अगर आप 10% पैसा देते हैं और 90% आप पोजीशन पे देंगे तो 90% पैसा आपको नहीं देना है, लेकिन 10% पेमेंट करने के बाद उस 100% के वैल्यू का अमाउंट का जो बढ़त मिलेगा आपको पोजीशन के समय पे, तो उसका पूरा का पूरा एप्रिसिएशन यानी बढ़त का आपको फायदा हो जाता है। ये एक न्यू प्रोजेक्ट में लॉन्चिंग में जो प्रॉपर्टी खरीदने का प्रॉफिट है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है जो जनरली इस बात को इन्वेस्टर लोग जानते हैं। मेरे कई सारे इन्वेस्टर हैं जिनके मैं ये जो ट्रिक है ये मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो करके जरूर देखें। अभी 40 लाख का प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन अगर समझें 10% अगर 5% बढ़ता है तो सीधा सीधा 4 साल के बाद प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 60 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन 40 लाख रुपये यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, आपको 4 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें आपको 20 लाख की बढ़त मिलती है। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है और बहुत फायदे वाली बात है, तो आप इसमें जरूर ध्यान दें। अगर ये ट्रिक आपको समझ में ना आया हो ना तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी, या फिर आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं कि विकास जी से बात करना है तो मैं खुद समझा दूंगा कि इसका क्या फायदा है। 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 4 साल में आप 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये सेम 1 BHK में भी है और सेम 2 BHK में भी है। अगर ये कंसेप्ट आपको इन्वेस्टमेंट में कैसे कमाया जाए वो समझना है तो एक बार फिर से आप फोन करें अगर समझ ना आया हो तो। दोस्ती जो डेवलपर हैं उनका रेपुटेशन के बारे में कहीं कोई लाछन नहीं है, सब जगह इन्होंने क्लियर टाइटल काम किया है, ऑन टाइम डिलीवर किया है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये, तो यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और कुछ डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, मैं पर्सनली आपको हेल्प करूँगा या फिर मेरी सेल्स टीम होगी वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं
जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं, नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका OC आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है, कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपये चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार, 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना, तो सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं।
और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया, और PLC के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है, आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं, ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़ 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा इंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा इंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है, वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है, हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है, कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग, तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं, इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइजिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे, इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त
कुछ आके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करें अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, CP के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैंने दोस्ती ग्रेटर थाने का इन्फॉर्मेशन दिया है इतना ही। आगे इसका पेमेंट स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है, पेमेंट स्कीम के बारे में बात करूँ ना कि इसमें जो मैंने बताया है वो उसके ऊपर और कुछ जानना है आपको तो आप हमें फ़ोन करें। इन्वेस्टमेंट के लिए जो इसका पर्पस है वो बहुत ही बेहतरीन पर्पस है। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन के साथ 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 ही साथ बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास 30-40% डिस्काउंट पे आती है वो भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, होम लोन रिलेटेड कुछ काम हो तो मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ क्या सस्ता आ रहा है, क्या अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी है, क्या बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई नया ऐसा अच्छी स्कीम वाली प्रॉपर्टी जो होती है, नया नया जो बिल्डर लॉन्च करते हैं ना तो बहुत अच्छा प्राइस में सेल कर रहे होते हैं, कभी कभी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC डिस्काउंट होता है, तो इस टाइप की जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा इस तरह के सस्ती प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, आप उसको देख पाएंगे, उसका फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।